दिस इज राजेंद्र। सो आज हम आईटी टूल्स के यूनिट नंबर 4 में हमारा जो टॉपिक था पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन, आज हम उस पे डिस्कशन करेंगे। इस टॉपिक्स में मतलब यूनिट नंबर हमारे पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में जो डिफरेंट एस्पेक्ट्स है उसको कैसे क्रिएट करना है, उसको एडिट कैसे करना है, ये सारी चीज़ें मैं आपको आज बताऊँगा। सो स्टार्ट करने से पहले मैं ये बता दूँ कि आपके जो सिलेबस पॉइंट ऑफ व्यू है हम उसके अकॉर्डिंग डिस्कशन करेंगे। सो दिस इज योर सिलेबस पॉइंट ऑफ व्यू। सो ये सारा हमारा सिलेबस पॉइंट ऑफ व्यू, तो इसके अकॉर्डिंग हमारी सारी डिस्कशन रहेगी जिसमें आप ये सीखोगे कि किस तरीके से फ्लाइट को क्रिएट किया जाता है, डिज़ाइन वगैरह ऐड किए जाते हैं, प्रेजेंटेशन में अगर चेंजेस लाने हैं वो क्रिएट करना, मतलब कि स्लाइड्स को मर्ज करना, आप प्लेस एंड होल्डर हर एक चीज़, आउटलाइनिंग, स्लाइड मास्टर, एनिमेशन, मल्टीमीडिया, कस्टम्स एनिमेशन, साउंड कंट्रोलिंग, हर एक चीज़ जो है पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में आज आपको गो थ्रू करवाऊंगा। तो ये आज के हमारे टॉपिक है जो हमने डिस्कशन करनी है टॉपिक्स पे। बेसिकली आपको प्रैक्टिकल एस्पेक्ट है पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में, क्योंकि अगर आप थ्योरी को गो थ्रू करोगे तो इतना क्लियर नहीं होगा। तो इट्स बेटर कि हम मैं आपको पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन मतलब कि पावर पॉइंट सॉफ्टवेयर में प्रोग्राम में मैं आपको एक्चुअली में बताऊंगा कि किस तरीके से इस पे वर्क किया जाता है। सो लेट्स स्टार्ट। अगर हम स्टार्ट करें अपनी पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन से, सो ये आपकी स्लाइड है, बट इसको स्टार्ट कैसे करना। सो दिस इज योर, हियर इज द डायलॉग बॉक्स। जिस स्लाइड पे आप करंटली वर्क कर रहे हो वो इधर अपीयर होगी और रेड कलर से वो येलो कलर से या रेड कलर से वो टैप आउट होगी, तो आप एक्चुअली में उसको भी देख सकते हो। तो इसी में अगर हम स्टार्ट करें कि हाउ टू क्रिएट अ न्यू स्लाइड, इट्स सिंपल, जस्ट गो टू होम। आपको होम में जाना, होम में जाके आपको अगर न्यू स्लाइड चाहिए, किस तरीके से स्लाइड क्रिएट करनी है, जस्ट गो टू योर न्यू स्लाइड। सो ये स्लाइड है हमारी। सो देखिए गाइस, हमारे पास यहाँ पे बड़े सारे ऑप्शन है स्लाइड को चूज करने के। यहाँ पे हमारे पास टाइटल स्लाइड है, टाइटल एंड कंटेंट स्लाइड है, जो मोस्टली यूज करते हैं वो ये वाली स्लाइड यूज करते हैं। अगर देखा जाए, अगर आपको ब्लैंक स्लाइड मतलब स्लाइड चाहिए तो आप ब्लैंक पे क्लिक करोगे। अगर आपको डिफरेंट डिफरेंट टाइप के स्लाइड्स दे रखे हैं जो ऑलरेडी मतलब कि इसमें स्लाइड्स में शो हुए, तो गाइस इसमें हमारा देखिए आपने एमएस वर्ड भी देखा और पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन देखी, दोनों में फर्क क्या है। एमएस वर्ड में आप डॉक्यूमेंट में मल्टीमीडिया वगैरह मतलब कुछ एनिमेशन वगैरह ये चीज नहीं दे सकते, वही चीज को रिप्लेस किया किसने, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन को। और पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन आपके लिए ज्यादा फायदेमंद है बिकॉज इसमें हमारे जितने भी एस्पेक्ट्स हैं वो सारे कवर होते हैं। इनफैक्ट आजकल के मतलब कि पर्सनालिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम में डिफरेंट जो प्रेजेंटेशन बनाए जाते हैं वो इसी सॉफ्टवेयर से बनाए जाती हैं। सो देखते हैं किस तरीके से क्रिएट होती है। तो सबसे पहले अगर न्यू स्लाइड चाहिए तो आप न्यू ऑप्शन में जाके स्लाइड को बना सकते हो। सपोज टाइटल वाले में चूज कर लो तो इस तरीके से अपीयर होगी। तो ये स्लाइड इस तरीके से अपीयर होने के बाद जो कंटेंट आपको ऐड करना है आप यहाँ पे क्लिक कीजिए, आप ऐड कर दीजिए। सपोज मैं यहाँ पे लिखता हूँ डोगरा। सो ये मैंने राइट डाउन कर दिया डोगरा। अब इसका ये फायदा होगा कि अगर मैंने इसको अलग अलग डिजाइन देने हैं, शेप्स देने, एनिमेशन देने, वो मैं हर एक चीज दिखाऊंगा। सर सबसे पहले मैं आपको होम में जाके इसमें जो मेन चीजें वो क्लियर कराऊंगा। सपोज करो ये लेटर है, सो एवरीथिंग जो आप वर्ड में करते थे आप इसको डिजाइन कर सकते हो, बोल्ड कर सकते हो, अंडरलाइन कर सकते हो, इसमें जो डिफरेंट मतलब कि बिल्कुल साइज इंक्रीज भी कर सकते हो, डिक्रीज भी कर सकते हो, इसको कलर भी दे सकते हो। बट इसमें अलग हैक है वो चीज मैं बताऊंगा। देखो इसमें अलग ये चीज है कि आप इसमें डिफरेंट शेप्स इसको आपने क्विक स्टाइल्स के अकॉर्डिंग इसको अरेंज भी कर सकते हो। देखते हैं किस तरीके से जिस स्टाइल से आप करना चाहते हैं चूज उसमें आप कर सकते हो। अगर आपको अलग तरीके से चाहिए, डिजाइन भी चाहिए, तो आप अलग मतलब कि मेथड उसको चूज करोगे। सो सबसे पहले न्यू स्लाइड का ऑप्शन था, स्लाइड क्रिएट की, सेव कैसे करनी वही मेथड है, कंट्रोल ऐसे आप स्लाइड को सेव कर सकते हो। तो डिफरेंट जो है इसमें इंसर्ट जाके आप कुछ भी अगर इंसर्ट करना चाहो, पिक्चर्स इंसर्ट कर सकते हो, स्क्रीनशॉट अगर लेनी है इसकी आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, फोटो एल्बम मतलब कि करना चाहते हो क्रिएट आप फोटो एल्बम भी इसकी हेल्प से क्रिएट कर सकते हो। गाइस इसमें जो अलग नया है तो मैं बताता हूँ इसमें अलग क्या है। सपोज अगर मैं वर्ड आ गया था, सो ये मैं ले रहा हूँ चूज, तो इस तरीके से हो गई। अगर मैं इसी को मतलब कि एनिमेशन देना चाहूँ तो मैं क्विकली इसको एनिमेशन दे सकता हूँ। तो
किस तरीके से एनिमेशन दे सकता हूँ, जस्ट गो थ्रू योर एनिमेशन, एनिमेशन में जाओ किस तरीके से जाइए अपीयर, मैं इसको अगर चूज करता हूँ तो इस तरीके से अपीयर होगा, तो ये देखना कैसे आप है, आप सिंपल स्लाइड शो में जाइए, फ्रॉम बिगिनिंग में जाइए, नेक्स्ट स्लाइड पर, तो इस तरीके से ये चीज़ अपीयर भी होगी, ये अपीयर। सो इसी में बड़े सारे ऑप्शन हम हमारे मेन्यू को हम कवर करेंगे, तो ये सेम मेन्यू है, तो इस ये जो हमारे मेन्यू बार में डिफरेंट डिफरेंट मतलब स्टाइल्स अलाइन राइट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड, अब हर एक मतलब कि आपने डेटा को जो आपने टाइप किया और डेटा है इसको मतलब कि एडजस्ट कर सकते हो, एडिट कर सकते हो, इसमें मतलब कि क्रिएशन ला सकते हो, कलर्स फॉर्म वगैरह हर चीज़ आप इसमें इजिली दे सकते हो। वही अगर मैं न्यू स्लाइड पर फोकस करूँ, सो ये हमारी न्यू स्लाइड थी, इंसर्ट वाले मेन्यू को देखेंगे, सो इंसर्ट वाले मेन्यू में हमारे पास डिफरेंट ऑप्शन आएंगे जिसमें आप टेबल को यूज कर सकते हो, जैसे आप एमएस वर्ड में करते थे, आप पिक्चर क्लिप आर्ट मतलब कि इसमें जो एक्स्ट्रा फीचर दे रखा है दैट इज योर स्क्रीनशॉट और फोटो एल्बम भी आप इसमें क्रिएट कर सकते हो, कुछ भी अगर शेप्स चार्ट वगैरह ये भी आपने एमएस वर्ड में क्रिएट करना सीखा, सेम वे से आप इधर भी उस चीज़ को एड कर सकते हो, अगर आप हाइपरलिंक एक्शन वगैरह क्रिएट करने के डिफरेंट ये चीज दे रखी, आप अलग डिजाइन भी चाहे तो ये इससे डिफरेंट डिफरेंट डिजाइन है, तो इन डिजाइन में से आप कोई भी डिजाइन चूज करके इसको क्रिएट कर सकते हो, आप डेट एंड टाइम भी ऐड कर सकते हो, स्लाइड का नंबर भी दे सकते हो, गाइस अगर आपको स्लाइड नंबर चाहिए आप स्लाइड पे चाहिए, जो डेट एंड टाइम देना चाहते हैं आप डेट भी दोगे ऑटोमेटिकली और टाइम भी दे सकते हो करके, इधर कर दोगे अप्लाई टू ऑल एंड देन अप्लाई, तो ये सारी चीज आपकी अप्लाई हो गई। वही अगर मैं डिजाइन वाले ऑप्शन में आऊँ, तो डिजाइन वाले ऑप्शन में ये देखोगे कि आपका जो विद बैकग्राउंड जो आपने डेटा बनाया हुआ है प्रोजेक्ट फाइल बनाई हुई है उसको अगर आप अलग गेटअप देना चाहते हो अलग लुक देना चाहते हो तो वो भी आप दे सकते हो किस तरीके से, सो आपको डिफरेंट बैकग्राउंड स्टाइल्स दे रखे हैं, डिफरेंट डिजाइन दे रखे हैं, सपोज करो मैं फर्स्ट डिजाइन लुक फर्स्ट को, तो इस तरीके से पहला डिजाइन होगा मेरा, ये अलग अलग तरीके हैं, बड़े सारे डिज़ाइन आप कोई भी मतलब कि चूज कर सकते हो, तो डिफरेंट डिज़ाइन आप कलर भी अपनी मर्जी के अकॉर्डिंग चूज कर सकते हो, आप ये वाला कलर दे सकते हो, कुछ भी आप डिज़ाइन चूज, सपोज कर मैं ये चूज करता हूँ और कलर मैं अपनी मर्जी से दूंगा, मैं ये वाला कलर देता हूँ, तो इस तरीके से ये कलर भी हो जाएगा, अब डिज़ाइन वाइज आपने कलर सूटेबिलिटी के अकॉर्डिंग डिज़ाइन सेलेक्ट कर सकते हो, तो ये काफ़ी मतलब कि पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में इसका फ्री फीचर है कि आप कुछ भी मतलब कि आपने डेटा को इजीली उसको कलर कर सकते हो बैकग्राउंड के साथ विद इफेक्टिवनेस के साथ। वही अगर इसमें ट्रांजिशन की बात की जाए, आप मतलब कि आपने जो स्लाइड बना रखी है वो किस तरीके से शो, मतलब आप देखते ना कभी कभी मूवी में ऐसे मतलब कि जो मतलब लेटर होते वर्ड्स होते हैं ऐसे रोटेट होके या ऊपर से नीचे ऐसे एनिमेशन स्टाइल्स दे रखे होते हैं, तो यहाँ से आप कर सकते हो फेड, ये फेड सपोज करो ये फेड, अगर आप इसकी स्पीड ड्यूरेशन भी इंक्रीज कर सकते हो इस तरीके से, तो इस तरीके फिर से क्लिक कीजिए ये, तो आप डिफरेंट देखते हो इस तरीके से सेपरेट, ये आप ड्यूरेशन के अकॉर्डिंग जो हो टाइम जो है वो आप इंक्रीज कर सकते हो, जितनी ड्यूरेशन की आप मतलब कि इसमें एनिमेशन देना चाहते हो यू कैन इजली सेट विद द हेल्प ऑफ योर ऑन टाइम मैनेजमेंट, ये साइड के कॉलम ड्यूरेशन को कॉलम आप इसमें ये चीज़ दे सकते हो, ये देखिए मैंने 2.5 सेकेंड की 3.5 सेकेंड की है, तो ये पूरे 3.5 सेकेंड फ्लश में देखिए, पुश में ये पुश का है, ये वाइब का है, इस तरीके से साइड होगा, ये स्प्लिट का बिल्कुल इस तरीके से आराम से, तो ड्यूरेशन जो मैक्सिमम ड्यूरेशन है वो आप कितनी दे सकते हो स्लाइड के अकॉर्डिंग। इस तरीके से अगर आप मतलब कि फुल स्लाइड शो में देखोगे, अगर आप देखना चाहते हो सेपरेटली फुल सिर्फ स्क्रीन में ये डेटा सारा शो जो आपने टाइप किया है जो आपने प्रोजेक्ट फाइल बनाई है, अगर आपको उसको स्क्रीन में देखना है तो आप सिंपल किस पे जाओगे, स्लाइड पे जाओगे, फ्रॉम बिगिनिंग में क्लिक करोगे, तो इस तरीके से ये आ जाएगा, ये सारी स्लाइड। तो अभी हम डिजाइन की बात कर रहे हैं, ट्रांजिशन की बात कर रहे हैं, तो विद द हेल्प ऑफ ट्रांजिशन मेनू प्रेजेंटेशन पॉइंट में ट्रांजिशन मेन्यू से आप अपने डेटा को डिफरेंट कैटअप दे सकते हो, मतलब कि पुश की कैरी की
फेड अप की, तो ये सारे जो फैसिलिटी है, जो बेनिफिट है वो इसमें अवेलेबल है। देन हम अपने आते हैं एनिमेशन पे। सो डिफरेंट एनिमेशन है, देखो ट्रांजिशन और एनिमेशन में फर्क है। एनिमेशन के मतलब कि जो हमारा डेटा है वो किस तरीके से अपीयर होगा, तो किस तरीके से अपीयर होगा ये भी डिफरेंट ऑप्शन है ट्रांजिशन की तरह। जैसे ये मैं अपीयर कर रहा हूँ, फिर आप ड्यूरेशन इस पर भी ऐड कर सकते हो, जैसे ड्यूरेशन आप इंक्रीज कर सकते हो, आप देख सकते हो इस तरीके से। अब डिले टाइम भी ऐड कर सकते हो कि कितना टाइम लगेगा स्लाइड को अपीयर होने में। सो इस तरीके से आप डिले ड्यूरेशन भी चेक कर सकते हो। तो ये है ऑनली क्लिक का ऑप्शन, आप अपनी मर्जी से भी विद आफ्टर प्रीवियस। जैसे मैंने अगर इस पे कर दूंगा तो इस तरीके से ये, तो डिफरेंट डिफरेंट ऑप्शन है। आप फ्लो इफेक्ट ऑप्शन में जाके अपनी, अगर आप स्लाइड को नीचे से ऊपर या ऊपर से नीचे अपीयर होना देखना चाहते हो तो आप फ्लो अप पे क्लिक करोगे, फ्लो डाउन में भी आप क्लिक कर सकते हो। विद ऑब्जेक्ट के साथ, एडवांस के साथ, पैराग्राफ के साथ भी पूरा होगा। ये देखिए पैराग्राफ ऐसा भी शो होता है डेटा। सो किस तरीके से मुझे एनिमेशन दी जाती है, ये एनिमेशन फैसिलिटी जो है कुछ हद तक हमारी पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में। तो इस तरीके से आप अपने मतलब की प्रोजेक्ट फाइल को क्रिएटिव बना सकते हो डिफरेंट डिफरेंट एनिमेशन स्टाइल्स देके। आप इसमें अपने एनिमेशन स्टाइल के साथ साथ मल्टीमीडिया फीचर्स भी ऐड कर सकते हो। अगर आपने कुछ अलग मतलब की अपीयर करें, ये डिफरेंट देखिए, ये पॉम्प्ट है, ग्लॉस है, आप इसमें बड़े सारे ऑप्शन दे रखे हैं, कुछ भी चूज कीजिए आप। ये देखिए वही, अगर हम एनिमेशन पेन की बात करें तो एनिमेशन पेन में आप रिफ्लेक्टिव साइड वगैरह हर एक चीज डिसाइड करोगे। तो जितने आप एनिमेशन पेन में जाके करोगे रोटेशन स्पीड वगैरह सारा इसमें सेट होगा। वही नेक्स्ट हम अगर स्लाइड शो की बात करें, स्लाइड शो में आप सिंपल देख रहे हो कि किस तरीके से मतलब की स्लाइड शो होगी, मतलब की बिगनिंग अगर आप स्टार्टिंग से देख रहे हो, स्टार्टिंग में करना चाहते हो, यहाँ पर जो करंट स्लाइड्स है ये डायरेक्ट अगर आप अपीयर होना देखना चाहते हो तो आप किस पे क्लिक करोगे, फ्रॉम द कस्टम स्लाइड या फ्रॉम द बिगनिंग में आप क्लिक कर सकते हो। ये डिफरेंट टाइम दे रखी है। अगर आप अपनी स्लाइड को हाइड भी करना चाहते हो तो स्लाइड हाइड का ऑप्शन भी है यहाँ पे। तो इस तरीके से, तो ये स्पीड स्लाइड की कितनी स्पीड होगी, आप स्पीड भी मतलब अपने अकॉर्डिंग जो आप सेट इसको कर सकते हो। वही अगर रेजोल्यूशन, आप रेजोल्यूशन भी यूज कर सकते हो कि कितने रेजोल्यूशन का चाहिए। तो अभी बेसिकली हमने ये बेस्ट क्वालिटी का यूज किया, आप रेजोल्यूशन भी इंक्रीज कर सकते हैं अपने स्लाइड्स में। देन नेक्स्ट हमारा रिव्यू। रिव्यू में हम ये देखते हैं कि हमने जो ओवरऑल स्लाइड क्रिएट कर ली है, हमने प्रेजेंटेशन बना दी है, उसमें अगर रिव्यू बना कर मैंने स्पेलिंग चेक करना है, कुछ सर्च करना है, कुछ अलग से छोटे से पैराग्राफ में साइड वगैरह ऐड करना है, तो वो सारी चीज़ें मैं ऐड कर सकता हूँ। अगर मुझे कमेंट देना है मैं कमेंट सेक्शन में जाकर कमेंट भी पास आउट कर सकता हूँ। तो ये हमारा किसका सारा कंपेयर, स्लाइड्स को कंपेयर करना, तो इतना ज़्यादा यूज नहीं होता ही। तो नेक्स्ट टाइम अगर हम व्यू की बात करें, सो व्यू में हमारे सारे कंसेप्ट होंगे कि किस तरीके से देखना चाहते हो। आप रूलर वगैरह ऐड करना चाहते हो तो आप रूलर पे क्लिक करोगे, ग्रिड लाइंस भी ऐड कर सकते हो। इसमें ग्रिड लाइंस देखिए किस तरीके, अगर रूलर ऐड करना चाहते हो रूलर आ गया, ये अगर रूलर आ गया, ये सारे मुझे दिख रहे हैं सारे रूलर है। अगर वो ग्रिड लाइन चाहिए तो देखिए, अगर आप न्यू स्लाइड देखते हो, अगर आप न्यू स्लाइड देखते हो इस तरीके से, तो ये लाइनिंग दिख रही है आपको ग्रिड लाइन में आ गया। अगर आप इस पेज को देखना हो तो इस तरीके से भी कर सकते हो। सो व्यू के ऑप्शन में डिफरेंट कलर फैसिलिटी भी है, आप कौन सा कलर देना चाहते हो, तो इस तरीके से ग्रे स्केल देना चाहते हो, देखिए मैंने ब्लैक दे दिया, ब्लैक एंड व्हाइट दे दिया, जो चीज़ आप मतलब कि आपको अट्रैक्टिव लगती है आप वो चीज़ सेम वे से आप ऐड कर सकते हो। तो नेक्स्ट है हमारा फॉक्सिप पीडीएफ। ऑब्वियसली जो आपने प्रेजेंटेशन बनाया आप उसको इजीली पीडीएफ में भी कन्वर्ट कर सकते हो, क्योंकि अगर आप चाहते हो कि अगर शेयरिंग के टाइम कोई चीज़ को और कोई बंदा आपकी चीज़ को यूज ना करे, सिर्फ डेटा को देख सके, तो आप पीडीएफ में उसको इजीली कन्वर्ट कर सकते हो। सो गाइस ये था हमारा पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के ऊपर थोड़ी सी डिस्कशन।
होप सो कि आपको लिटिल बिट आपके कंसेप्ट जो थोड़े से स्ट्रांग हुए हों, बिकॉज मेरा जो मेन एम था मैंने आपको बताना था कि किस तरीके से पावर पॉइंट पे वर्किंग की जाती है, और अगर आप इस पर ज़्यादा फोकस करना है तो प्लीज़ आपने लेवल पे पावर पॉइंट प्रोग्रामिंग की फंक्शन करना सीखिए। यहाँ से भी कोई डाउट आता है तो कभी भी आप क्लियर कर सकते हो। सो थैंक